write two formulas, number of moles is equal to given mass or the mass which you have to find over molar mass. मोलर मास का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल का मास या आपके एटम का मास, ठीक है, जो भी गिवन है. सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने निकालने होते हैं या गिवन होते हैं. पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस ओवर 6.022 × 10^20 That is Avogadro's number. Last numerical कहाँ तक किया हमने? Eight gram of O2 molecule. Now write down 0.1 mole. 0.1 mole. ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन के क्या है? एटम. तो एक कार्बन 0.1 mole ऑफ कार्बन एटम दिया और आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपको गिवन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 0.1. क्या निकालना है आपने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे. आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? कितने आए हैं? कितने आए? 0.1 को मल्टीप्लाई करने मीन 6.022 × 10^22 हो जाएंगे. एक 10 कम हो जाएगा, पहले 23 है, अब 22 हो जाएंगे. आप अगर इस चीज को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो मीन्स 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 23 की जगह पे 22 हो जाएगा. इसमें क्या है? वो क्यों आएगा? 10 से डिवाइड किया तुमने, वो तो मल्टीप्लाई 0.1 से. गॉट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स. विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम. यू आर प्रोवाइडेड विद 100 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 100 ग्राम ऑफ आयरन. अब आपके पास क्या है? 100 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर. आयरन. राइट डाउन द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दैट इज 23. राइट डाउन द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 एंड ऑफ आयरन इज 56. एंड आयरन इज 56. अब ध्यान से समझो, आपने क्या निकालने? नंबर आपने क्या निकालने हैं बेटे? नंबर. दोनों के नंबर निकालोगे तभी आपको किस कौन से ज्यादा है तभी पता चलेंगे. ध्यान से समझो, आपको गिवन मास दोनों का क्या है? 100. इसको ध्यान से समझो, दोनों का क्या है? 100. तो अगर 100 है, ए का मोलर मास कितने? 23. ए का मोलर मास कितने? 56. ये क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. अब अच्छा, वैसे तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, अगर वैसे कंसेप्ट लगाए ध्यान से समझो. 100 से 23 डिवाइड करोगे ज्यादा होगा या 100 से 56 डिवाइड करोगे तो ज्यादा होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे मतलब सोडियम के ज्यादा आएंगे. नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के क्या आएंगे? ज्यादा. क्वेश्चन बस कर जा बेटे, केमिस्ट्री क्लास चल रही है, बस कर जा. हंड्रेड को 23 से डिवाइड करोगे ये चीज ज्यादा आ गई. जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ गए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो ज्यादा होंगे. कुछ सोचो,
जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़े उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े। अगर वन मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, टू मोल में उससे ज्यादा होंगे, थ्री मोल में से उससे ज्यादा होंगे, फोर मोल से उससे ज्यादा होंगे। जिस चीज के नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ गए, आप कह रहे हो कि इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आए, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 23 विल बी मोर एज कंपेयर टू 100 डिवाइडेड बाय 56, इजंट इट। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके बढ़ जाएंगे। टेल मी। तो अब यहां पे अगर मैं 100 बाय 23 करूं इंटू 6.022 इंटू 10^23 करूंगी तो ये इसके पार्टिकल्स आएंगे सोडियम के, आयरन के पार्टिकल्स क्या आएंगे 100 बाय 56 इंटू 6.022 इंटू 10^23, तो ज्यादा पार्टिकल किसके आएंगे? मैंने सीट पे आके समझाना नहीं, आई एम गिविंग लेक्चर टू एवरीवन। समझ आई? यू विल सॉल्व योर सेल्फ एंड देन टेल मी। ओके, दिस इज योर होमवर्क। कितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे? अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 dozen बनाना है तो 12 है, अगर 2 है तो 24 है। मीन जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते जाएंगे। 1 मोल इसकी इक्वल है, अगर 0.5 हो तो आधे हो जाएंगे। समझ आ गई? अगर 2 को कंपेयर करोगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम उसके पार्टिकल्स कम, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके पार्टिकल्स ज्यादा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटे यूनिटरी मेथड से हम करेंगे, ये एनसीईआरटी की आपकी ब्लू बॉक्स में है। इफ वन मोल, राइट डाउन, इफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, को ध्यान से समझो, इफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, राइट डाउन द क्वेश्चन। If one mole of carbon atom weighs 12 grams, carbon atom weighs 12 grams, what is the mass of one atom? What is weighs 12 gram? What is the mass of one atom of carbon? अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो। कहते जी वन मोल कार्बन एटम का वे कितना कर रहा है बेटे? 12 ग्राम। ठीक है, आपने किसका वेट निकालना है? वन एटम का। आपका क्वेश्चन ये है, अब वन मोल में कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे? वन मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10^23। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स मास कितना है? 12/6.02। समझ आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? वन मोल का मास गिवन है आपको 12, तो वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? मींस हम ये कह सकते हैं कि इतने एटम्स का मास कितने है? तो वन एटम का कितना होगा? बात समझ आई? जैसे मैं बोलूं 12 बनानास का मास इतने, तो वन का कितना होगा? गॉट इट? तो इन्होंने आपको ऐसे दिया
कि एक डजन बनाना का मास इतने, तो वन बनाना का कितना होगा? तो एक डजन की वैल्यू आपको पता है 12, आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इन द सेम वे वन मोल की वैल्यू आपको पता है, वो आप लिखोगे, वन मोल की में इतने पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास इक्वल टू इतना। स्टॉप इट बेटे, जयंत एंड ख्वाहिश, सीधे के बैठ, दोनों सीधे के बैठो। Got it? Yes, ma'am. So this is the homework again to solve. Okay? अब मैं थोड़े बैक एक्सरसाइज की उठा रही हूँ बेटे। बैक एक्सरसाइज पे सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हरिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। हरिया, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम इज Mg2 पॉजिटिव एंड Cl इज 1 नेगेटिव, सो इट विल बी MgCl2। नेक्स्ट राइट डाउन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Cl2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम। नेक्स्ट इज कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ऐसे नहीं लिख सकते हम, कॉपर नाइट्रेट। राइट डाउन नाउ एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट राइट डाउन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl3। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्विक लाइम, क्विक लाइम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अभी फॉर्मूला लिखे CaO, दैट इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या प्रेजेंट है? जयंत स्टैंड अप, जयंत स्टैंड अप। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड में एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं? ब्रोमाइड तो है ही, जब एलिमेंट हो गए तो हाइड्रोजन एंड ब्रोमी, ब्रोमाइड जब वो फॉर्मूला में लिखा जाता है, अगर एग्जाम में आप हाइड्रोजन और ब्रोमाइड लिखा है तो यू विल गेट हाफ मार्क्स। जब वो रेडिकल बन, अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में आपने ये नहीं बोला कैल्शियम और ऑक्साइड, आपने बोला कैल्शियम और ऑक्सीजन, समझ आ गई? नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर, तुषार स्टैंड अप। बेकिंग पाउडर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ एलिमेंट बताओ बेटे, Na को क्या कहते हैं? हाँ सीओ,
एच को क्या कहते हैं? बस चुपरा कर टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए तेरे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन पोटेशियम सल्फेट लास्ट एंड अप पोटेशियम सल्फेट यस बारबी स्टैंड अप पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला भी फॉर्मूला नहीं एलिमेंट्स कान्हा के लेक्चर दिया करूं आपके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता मैंने खड़ा किया ना जिनको वो वाले बच्चे हैं जो समझना ही नहीं चाहते उसको समझ नहीं आ रहा वो कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं चाहते पोटेशियम सल्फेट में एलिमेंट्स कौन से पोटेशियम सल्फेट सल्फेट कोई और पीए नहीं पीछे बैठा था दो चार रखे हुए हैं सिडॉन सो इट इज पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन इथाइन का हमने मोलर मास ऑलरेडी निकाल लिया सल्फर का भी निकाल लिया था HCl का भी निकाल लिया था नाइट्रिक एसिड निकालो आ रही अब सबको फाइंड नाइट्रिक एसिड का फाइंड आउट करो आ रही अब फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बारबी व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इनको कोई अलग टीचर आती पढ़ाने लगता तो यही है मुझे इनको लग से मैं टेबल करवाती हूँ लिखो ये इम्पोर्टेंट टेबल है इनको लग से एक्स्ट्रा क्लासेस देती हूँ मैं आपको देती नहीं वो वाली Yes, Dhavani. Stand up. What is the atomic mass of nitrogen? Fourteen. What is the atomic mass of oxygen? हाँ तेरे से ही पूछा है. 16. तो nitric acid का क्या formula होता है? HNO. Atomic mass of hydrogen plus atomic mass of nitrogen, atomic mass of oxygen. Next, what is the mass of? Listen to me carefully. Without doing, you will tell me the answer. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ध्यान से सुनो व्हाट इज द मास ऑफ बिना सॉल्व की आंसर आना चाहिए
What is the mass of one mole of nitrogen atom? Raise the hand. Mass. One mole of nitrogen atom. It is 14. मैंने कितनी बार समझाया है? Quite. वन मोल का कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 × 10²³. वन मोल का मास कितना होता है? जितना मास एटम का हो, जितना मास किसी मॉलिक्यूल का हो. अगर मेरे पास वेसल है जिसमें वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब कितना मास है? 14. Four moles of aluminium atoms. You are given with, listen to me carefully. Four moles of aluminium atom. क्या? It is एक मोल का मास कितना होगा? One mole will be 4 mole will be 10 moles of sodium sulfide. 10 moles of sodium sulfide. This is sodium sulfide. First of all, find out the molar mass of sodium sulfide. Sit down, you are four. What is, let them find. All I'm not done. First find the molar mass of sodium sulfide. Sodium ka kitne? 23. Write down. Sodium 23 into 2 plus sulfur 32 plus sulfur 32 plus oxygen 16. Kitne oxygen hai? 3. So 16 multiply by 3. ये क्या आ गया? 126. वन मोल का मास. इट इज वन मोल. 10 मोल का कितना होगा? 1260. इट विल बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. केशव में अलग से फेलियर्स के टेस्ट लेने मैंने भी शुरू कर देने, और मैंने डे नहीं अनाउंस करना कि आप छुट्टी कर सको. मैंने ऐसे ही बिठा लेना कि कमिंग वीक जब मर्जी हो जाएगा. डोंट लेट मी टू बी डायरेक्ट. आई नो एवरी चाइल्ड ऑफ माय क्लास. Next, convert into mole. See the game. उसने नहीं पेपर में करके देना, तुझे खुद करना तूने. 12 gram of oxygen gas is given to you. 12 gram of oxygen gas. और आपने मोल में कन्वर्ट करना है. तो मोल किसकी इक्वल होता है? Given mass over given mass कितने? 12. Molar mass कितने? 32. Oxygen. Next, convert into mole again. 20 gram of water.